नेपाल में सिंपल गेट से क्रॉस करो और वॉक करके आ जाओ। 190 रुपये में 50 रुपये का टॉप टाइम मिला है। एनटीसी में स्मार्टसेल ने दिया 125 रुपये में 90 रुपये का टॉप टाइम। डेटा कोई नहीं, उसको अलग से एक्टिवेट करना होता है। भंसार कार्यालय में पहुँच के पता चला कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल जस्ट वॉक इन करके जाओ अंदर और जा करके बस पकड़ो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ये है नेपाल सीरीज का पहला एपिसोड और ये है दिल्ली से लेकर नेपाल तक जाने के बारे में। तो सबसे पहले नई दिल्ली से जापान तक की टोटल 801 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ओवरनाइट कंप्लीट कर सकते हैं। दिल्ली से मिल जाएगी आपको ट्रेन गोरखपुर जाने के लिए। बहुत सारी ट्रेन्स हैं जिसमें भी आपको सीट मिले, बस बैठ जाइए और आप पहुंच जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर है आपका पहला डेस्टिनेशन। जो टिकट आपको मिलेगी वो स्टार्ट होती है स्लीपर क्लास में 405 रुपीज से और फर्स्ट क्लास में 2615 पर। दूसरा ऑप्शन आपके पास है नई दिल्ली से चलने वाली ओवरनाइट बस सर्विस। ये करीब 10 या 11 घंटे में आपको पहुँचा देगी गोरखपुर। तो रात में बैठिए और सुबह गोरखपुर उतर जाइए। स्लीपर क्लास है, एवरेज टिकट स्टार्ट होती है 650 रुपीज से लेकर 800 रुपीज तक। सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट पिक वन। यहाँ से फिर आप जाएंगे 95 किलोमीटर दूर बस लेकर के सनोली बॉर्डर। तो सनोली बॉर्डर जाते हुए टिकट लगे सिर्फ 70 रुपए की। दो ड्राइवर को चला के लेके आना, तो शिफ्ट के हिसाब से चलते हैं। 2 घंटे 4 घंटे आपस में एडजस्टमेंट करनी है भाई, जिसके हिसाब से हो जितना जो चला सके। कोई ज़्यादा चलाए कम चलाए कोई फर्क नहीं, कोई वैसे हमारे स्टॉपेज बने हुए हैं। अच्छा, जैसे आगरा से चलेंगे जयपुर से चलेंगे हम आगरा, आगरा से वो जयपुर से एक ड्राइवर लगेगा, आगरा से दूसरा ड्राइवर बैठ जाएगा सिकंदरा। अच्छा, सिकंदरा से दूसरा ड्राइवर बैठ जाएगा फिर। अच्छा, बीच में उतरते रहते हैं अलग अलग जगह पे स्टॉप पे, सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, वैसे कर लिया और ना तो कोई चल रहा है, चल रहा है नई चीज बताई आपने मेरे को। अच्छा, जयपुर से नेपाल तक का टोटल किराया कितना है? जयपुर से नेपाल का किराया है 1096 रुपये। और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ये? किलोमीटर पड़ेगा भाई साहब ये आपका, ये रोड मुझे गाड़ी है 1000 किलोमीटर। बढ़िया ऑप्शन है चेकिंग ज्यादा है क्या आज? वीआईपी खड़े थे तो अच्छा, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी इसलिए। लो जी, नेपाल में सिंपल गेट से क्रॉस करो और वॉक करके आ जाओ। लीजिए, भंसार कार्यालय में पहुंच के पता चला कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल जस्ट वॉक इन करके जाओ अंदर और जा करके बस पकड़ो और पहुँचाओ काठमांडू। क्या है सिम का प्रोसेस? कितने का है? 290 रुपये। और इंटरनेट का पैक? अच्छा, इंटरनेट का पैक का क्या है? इंटरनेट भी चलाना है। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। तो आप कहाँ बताने वाले हो? हम लोग काफी सारी जगह जाने वाले हैं। हर जगह वाईफाई होता है। जो चीज़ समझ में आई है अभी तक घूम फिर के पूरा एक्सपेरिमेंट करके, वो ये है कि आपको दो कंपनियों के सिम
यहाँ पे भी हमने लिए, एक स्मार्ट सेल है, दूसरा NTC है, नेपाल टेलीकॉम का। तो NTC का बोला जाता है कि नेटवर्क अच्छा ही है हमारे इंडिया के BSNL के जैसा है, और स्मार्ट सेल का नेटवर्क दो इंटीरियर्स में नहीं है लेकिन मेन सिटीज में बहुत अच्छा है, उसके प्लान अच्छे हैं और ईजिली आप उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, मैंने दोनों के इसलिए ले लिए ताकि एक बार कंपैरिजन करके देख सकूं। 190 रुपये में 50 रुपये का टॉक टाइम मिला है, NTC में स्मार्ट सेल ने दिया 125 रुपये में 90 रुपये का टॉक टाइम, डेटा कोई नहीं उसको अलग से एक्टिवेट करना। दो रोटी एक दाल 100 रुपये दिए मैंने इंडिया वाले यानी कि 160, और यहाँ के 50 रुपये मुझे वापस मिल गए, 40 रुपये, तो 120 नेपाली रुपये का मैंने लंच कर लिया पेट भर के। इंडिया के हिसाब से देखो तो करीब 75 रुपये के बनते हैं। पोखरण कह रहा हूँ, पोखरा के लिए जा रहा है 5:15 पहुँचेगी कितने बजे वहाँ पे? 5 बजे सब 5 या 6 उस वक्त पहुँचती हैं। तो रास्ते में कहाँ रुकती हैं? अच्छा ये लंबे रास्ते से जाएगी ना? झरका है लंबा रास्ता से जाएंगे तो आपको 6:30 और 8 बजे वही 5 बजे पहुँचेगा। क्या रेट है? लंबा रास्ता का मतलब है नारायण से जाएगा उसका है 530 रुपये से पड़ेगा। 530 लंबे रास्ते से जिसमें थोड़ा सेंजर से जाएगा थोड़ा शॉर्ट है उसका है 450। ये जो है ना इसको उल्टी का प्रॉब्लम है, तो एक बता रहे थे कि सीधा रास्ता उसमें उल्टी का प्रॉब्लम है। कैमरा450 ये यहाँ का करेंसी है, इंडिया वाला है, यहाँ वाला है ना? तो टोटल कितना देना है मैंने इंडिया करेंसी के हिसाब से? आपको 4.5 900 हो गया ना? तो ये टोटल हुआ 562 रुपये। चलिए ये दो टिकट दे दो, 5.5 वाला है ना? 1 रुपये 2 रुपये वो तो कोई नहीं होता। ये कौन से वाले पैसे? वाइट कलर 37। जी 5:30 बजे की बस ली है और कह रहे हैं कि 5:30 बजे पहुँचेगी, 12 घंटे 180 किलोमीटर का डिस्टेंस। 180 किलोमीटर 12 घंटे? हाँ रास्ते में रुकेगी कहीं जगह पे, खाना खाओ, सवारी बिठाओ। अच्छा हमने पे किया इस पूरी टिकट का 570 रुपये, 30 रुपये में रिटर्न मिला, 565 बन गया था, 70 काटा उसका। 2-3 रुपये का कहता हम ध्यान नहीं देते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेम हो गया हमारा, बॉर्डर क्रॉस हो गया और बस में बैठ करके निकल लिए। एज सच अभी तक तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी वाला काम हुआ नहीं है, अब हुआ है यहाँ पर। ये है यहाँ का पोस्ट, अब होगा चेकिंग। ये चेक पोस्ट है, यहाँ खड़े हुए हैं आर्मी वाले। सिक्योरिटी चेक कुछ बड़ा नहीं था, कस्टम कोई सामान ओपन करके नहीं देखा गया। एक पर्सन अंदर आया और उसने आकर भी बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कोटरा जा रहे हैं, और गाड़ी से नीचे उतर गए। गिनती की सवारी है तो शायद ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं चाहिए। आधा घंटा चलने के बाद बस आके एक जगह पर रुकी जिसका नाम है बिटोल। बताया जाता है कि ये यहाँ का मेन बस स्टैंड है इस रूट पर, यहाँ जितनी सवारियाँ बैठेगी उतनी सवारी तो बॉर्डर पर भी नहीं बैठती। तो प्यास लगी थी, सोचा पानी की बोतल को रिफ़िल करूँगा, लेकिन कोई टूटी नहीं लगी है, जो टूटी है उसमें पानी नहीं है, इसलिए ख़रीद के पीना पड़ा। 25 रुपये की बोतल वाली हमारे पे 20 था, तो शायद इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताया गया कि जी अब तो 25 रुपये दो। पोखरण जाने का डिसीजन सही है कि गलत इस बात पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि किसी भी आइटनरी में पोखरण लोग पहले नहीं जाते हैं। पोखरण कह रहा हूँ, पोखरा लोग पहले नहीं जाते हैं, हम ही लोग जा रहे हैं। और मुझे अपने लिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेनी थी, तो अगर मैं काठमांडू निकलता तो हार्ड ड्राइव लेने के चांसेस ज़्यादा थे।
उम्मीद है आपको वो सब जानकारी मिल गई होगी जो आप जानना चाहते थे कि नेपाल किस तरह से जाया जाता है। आने वाले एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। आपको मैं सबसे पहले पोखरा घुमाऊंगा, पोखरा में घूमने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और वहां से हम जाएंगे काठमांडू। काठमांडू में लोकल साइट सीइंग, रहने का खर्चा, होस्टल, पूरा बजट इस बारे में जानकारी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए कि सब्सक्राइब करें, उनके साथ कहिए शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।